डुग्गर प्रदेश की बहुत ही ऐतिहासिक श्राइन्स है, जिसको हम छोटा काशी से नाम से भी कहते हैं और काशी विश्वनाथ जैसे स्थान हैं। और वहाँ यहाँ से एक भव्य शड़ी यात्रा हमने स्टार्ट की थी आज से 29 साल पहले। वो 20 मार्च को शड़ी यात्रा चैत्र चतुर्दशी के दिन आ रही है, और उस दिन हर साल की तरह 19 को पूजा रणवेश्वर मंदिर में होगी और 20 को यहाँ भव्य पूजा होगी, और यहाँ के बाद आगे डिफरेंट मंदिरों से लोग अपने अपने आरती करेंगे और विदा करेंगे छड़ियों को, और ये फिर परमंडल में जाएगी। और वहाँ हमारे धर्म ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम होता है, और वहाँ पर हमारे बड़ी ब्राह्मणा जो लंगर समिति है उसकी तरफ से लाखों लोगों के लिए 3 दिन के लिए दिन रात लंगर का इंतजाम है, और वहाँ पर ये छड़ियों की स्थापना होती है, और फिर पहले नाते को वहाँ स्नान करा के वापस लाते हैं। उसके लिए आज इस बैठक में हमारे साथ जो एक सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सबसे उसमें मेन संस्था है श्री धर्मार्थ ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष गुणोत्रा साहब, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से मैं एज अध्यक्ष, और जनरल सेक्रेटरी रेखी साहब और सारे हमारे आदरणीय ट्रस्टी और स्पेशल इन्वाइटी, परमंडल उत्तरवाणी श्राइन डेवलपमेंट कमेटी के सारे सदस्य, और इसी तरीके से हमारे नुमाइंदे बॉर्डर तक सारे लोग शामिल होते हैं, अलग अलग मंदिरों के हमारी कमेटियों के पदाधिकारी सदस्य और हमारे आदरणीय पुजारीगण और पंडित साहिबान, वो सारे शामिल होते हैं। आज बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है इस यात्रा के बारे में और इंतज़ाम क्या होंगे, वो मीटिंग रखी थी। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं डिप्टी कमिश्नर सांबा का कि उन्होंने नोडल अफसर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सांबा के मिस्टर मनु हंस उनको नियुक्त किया है, और जितने डिपार्टमेंट हैं कि बाकायदा परमंडल मोड से परमंडल तक ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो श्रद्धालुओं के लिए, उसके लिए चाहे आरटीओ हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरी पुलिस है जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं उनके अधिकारी हैं, और बाकी पानी का इंतजाम, बिजली का इंतजाम, सारे जितने महकमे हैं वो अपने अपने ढंग से इंतजाम देखेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे इस सारी यात्रा को, और हमारे आदरणीय पुजारीगण जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर ढंग से पवित्रता से इन छड़ियों को हम परमंडल तक ले जाए, और रास्ते में हमारे जितने एक बड़े मशहूर मंदिर हैं, चाहे वो महादेव मंदिर शास्त्री नगर हो और चाहे वो राम मंदिर शास्त्री नगर हो, शिव मंदिर तुटा नगर हो, शिव मंदिर ग्रेटर कैलाश हो, दाता रणबाद देव जी का स्थान हो, चाहे वीरपुर में नरसिंह भगवान जी का मंदिर हो, ये सारे अद्भुत रिसेप्शन होते हैं इन छड़ियों का। और बहुत ही अद्भुत ये बात है कि हमारे मुस्लिम भाई आज भी मीटिंग में आए हुए हैं, उनके नुमाइंदे यही वहाँ पर खड़ा के अंदर राम डान आप जानते हैं, वहाँ पर अद्भुत स्वागत करते हैं पूरी यात्रा का सब लोगों के लिए, सिख बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने उनके खान पान का प्रसाद का इंतजाम किया होता है, और उसके बाद ये यात्रा परमंडल जाकर वहाँ जाती है, और फिर वहाँ पूजा आप जानते हैं उस देवस्थान को जो ऐतिहासिक स्थान है, बड़ी लंबी उसकी कहानी है, वहाँ पर पूजा अर्चना के बाद छड़ियाँ जो हैं आम जनता के लिए दर्शन के लिए खुले मंच पर रखी दी जाती हैं, और फिर वहाँ पर विसर्जन होता है उनका पहले नाते। तो मैंने अपील की है हमारे साथियों ने, गुणोत्रा साहब हमारे बैठे हुए हैं, रेखी साहब हैं, बाकी सारे हमारे साथी हैं, पूरे ट्रस्टी हैं, हमने अपील की है गवर्नमेंट से भी, साहब से और श्रद्धालुओं से भी कि बढ़ चढ़ कर इस जो जो काम जिसके हिस्से हैं वो इसमें अपना योगदान दें, शामिल हों, और इस यात्रा को वो रूप दें जो लोग बेचारे बर्फानी बाबा के दर्शन वहाँ नहीं करने जा सकते, वो यहाँ गुप्त गंगा के दर्शन देविका के करें और इन तारीखी ऐतिहासिक स्थानों में आकर मत्था टेक लें। धन्यवाद।